लोग के बीच में मुझसे मार खाएगी ये, समझ होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मुझे नहीं पता पंखा इतना देर से आप लोगों की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, बट पंखा इसलिए तेज़ है क्योंकि हमारे दो दस बच्चे हैं ना वो यहाँ सो रहे हैं। असल में हमने एक चारपाई बिछाई हुई है और चारपाई आई डोंट नो आप लोगों को पता ही नहीं पता चारपाई इस तरह की होती है, पता ही होगा देसी लोगों को, पता ही होगा देसी लोगों ना। तो एक तरफ हमने हनान को लिटाया हुआ है, ये अलियाना है, और उस तरफ जो है वो हनान है। मैं एक बात बताऊँ, बच्चों को जितना देसी तरीके से पालेंगे ना बच्चे उतने ही ज़्यादा सही होंगे। तो अब यह है कि हालांकि हाँ अलियाना का इतना प्यारे प्यारे झूले हैं लेकिन नहीं हम अलियाना को इसमें सुलाते हैं, वो मज़े से इसी में सोती है, वो सारे जो उसके अच्छे वाले झूले हैं वो सब बेकार हैं। तो अब सीन यह है कि मैंने बनाया है मज़े का पुलाव अपने लिए, क्योंकि मुझे इतना दिल चाह रहा था पुलाव खाने का, इतना दिल चाह रहा था। मैं उठी, मैंने सुबह बोला यार क्या करूँ, कुछ खाने का दिल चाह रहा है, मैंने बोला बस पुलाव बनाते हैं आज। मैं फटाफट से पुलाव खाने आ गई हूँ, मैं लगाऊंगी तारक मेहता और देखूंगी और खाऊंगी खाना। तो अभी सीन ये है कि पहले मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ मज़ी, क्योंकि मुझे आप लोगों को बहुत कुछ बताना है। इस पाँव से पहचानी है कौन है, आप लोग भी बोलते होंगे कभी पाँव दिखाती है कभी सर दिखाती है, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग पहचान लें, पहचान बना लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल का व्लॉग मैंने बनाया था बट वो मैंने अपलोड नहीं किया, अब बनाया नहीं था, मैं थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया था और बीच में मैं ऐसी हो गई कि यार आज मैं स्किप कर देती हूँ, तो कल मैंने स्किप कर दिया। खैर बहुत सारे मैसेजेस आए कि आज का व्लॉग नहीं आया, आज आपने दिखाया नहीं, क्या हुआ एंड ऑल दैट, यू गाइस मिस मी। तो मैंने कहा यार आज बना लेती हूँ, वैसे आज भी मेरा दिल नहीं था बट महान ने बोला आप क्यों करती हैं ऐसे, जब लोग आपसे इतना प्यार करते हैं रोज़ाना देखते हैं आपको पसंद करते देखना तो आप रोज़ाना बनाना चाहिए। तो आई थॉट कि चलो यार स्टार्ट कर देते हैं। वैसे बना हुआ है, थोड़ा सा बना हुआ है मेरे ख्याल से, एक मिनट का मैंने बनाया था तो वो मैंने बना के रखा हुआ है, सांस फूट गया, वो मैंने बना के रखा हुआ है और अभी मैं दोबारा आपके साथ अभी मैं फिर बना रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर काम से। तो आप कितनी बुरी हालत क्यों हो रही है, वाय बताइए। तो बता नहीं सकता कि जो कितने बड़े हुए एक्टर वैसे हम, वो जो मेरी साइट है ना, हाँ। आज उधर काम कर रहे थे, कुश्ती वगैरह का काम हो रहा था एट देन पता क्या हुआ, कुश्ती का काम कर रहे थे, कुश्ती का काम करते रहे करते उसके बाद रिबिट थी, रिबिट ना वो हिट करती है और प्रेशर से हंसी नहीं आई। तो अब लेट नहीं हो रहे हम कब से हम लेट हो रहे थे गाइस। तो इसमें क्या हुआ कि एकदम से रिबिट वगैरह ना प्रेशर से कर करके ना उसके पूरे ना स्टिचिंग की, तो स्टिचिंग करके फिर हुआ अचानक सडन हादसा ये हुआ कि उन्होंने काम कम्प्लीट किया, फिर हम साइड बंद करके घर आ गए। वाह वाह कितनी बड़ी ओवर एक्टिंग, वाह क्या एक्टिंग है, वाह क्या एक्टिंग है लगा देना ये ओ भाई आजा यार, जाते ना कोई ना कोई मसला हो ही जाता है, मार खा लेगी ब्लॉग के बीच में मुझसे मार खाएगी ये समझ मोटी भाभी वो क्या नाम है हाँ क्या कुछ नहीं जाते जाते मार को याद आ गया के जो है ना बिस्किट लेना और अम्मी डांट रही हैं कि बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, मासी बैठी हुई है घर में और हम लोग भाग रहे हैं नीचे यहाँ मेरी और मदीना की दोनों की डांट पिटी है क्योंकि जो है हमने गाड़ी मार गाड़ी का गेट जो है वो दरवाजे में मार दरवाजे में मार दिया दीवार गाड़ी का जो दरवाजा है वो दीवार पे मार दिया। ये गाइस समझ आ गया आप लोगों को, ये बोलना चाहती थी मैं। गाइस आप लोगों को पता है कि बाहर आते ही मुझे लगना शुरू हो जाती है भूख, तो अभी मैंने महात को बोला है कि मुझे कुछ खिला दे लेकिन मुझे खानी है चीज, तो मैं चीज स्लाइस लेके दे देता हूँ, चीज खा लेना और क्या, चीज खानी है चीज, चीज से कुछ भरा हुआ हो, कुछ ऐसा हो जो चीज से बिल्कुल लदा हुआ। मैं काम करता हूँ डब्बे में चीज भर के दे देता हूँ, खा लो यार चीज से भरी हुई कुछ मजे का ना, कुछ अच्छा ना, मुझे नाम बता दो वहाँ ले जाऊँ मैं आपको यार, ऐसा तो नहीं करो यार, ऐसा कर यार पहला यार सोना
क्या हरकतें करेंगे आप? अच्छा बताएं जल्दी क्या खाना है। मैं फाइव स्टार पे जाके कुछ बताऊंगी कि मुझे क्या खाना है। कुछ चीज मतिया तुम्हें क्या खाना है? कुछ चीज दिया को भी कुछ चीज जो वो उसी में मुंह मारोगे। दिया भी कह रही है कुछ चीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, खुद का दिल नहीं चाहता ना कभी कुछ सोचने के? हाँ अगला खा रहा है वही दे दो। वही मंगवा लो। अच्छा मेरा भी यही है, कभी कभी ना मैं दूसरों के टेबल पे देख के ऑर्डर करती हूँ, वही खा रहा है यार, मेरा भी यही दिल चाह रहा है। अच्छा मदिया चलो गाइस, हमने दिया के साथ कोई इतना बड़ा गेम खेला है ना, क्या मैं आप लोगों को क्या बताऊं? दिया से बातें करते 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 हम जो है उसको यहाँ पे लेकर आते हैं। दौरा जी कहता नहीं मुझे घर जाना है, मेरी जो बेटी है ना वो मेरा इंतजार कर रही है। कोई इंतजार नहीं कर रही, वो अपनी नानी के साथ खेल रही है, वो अपनी नानी के साथ सोती रहती है। आज मैंने मदिया का गला दबाया था, वो बेहोश क्यों होगा मुझे समझ नहीं आया यार। तुमने बचपन में भी मेरा एक दफा गला दबाया। मैंने गाइस पता है क्या किया मदिया का ना, बचपन में मैंने क्या किया था, मदिया को यूं करके गला पकड़ा उसका टक करके ना, और एक सेकंड भी नहीं लगा मदिया यूं करके, ऐसा नहीं होता जैसे ऊपर से पानी छोड़ो तो नीचे यूं फच करके गिरता है, मदिया ऐसी यूं करके ऐसा लग रहा था मेल्ट हो गई, नीचे गिर गई, बेहोश हुई थी मदिया। मैं इतना परेशान, मैंने फटाफट क्या किया, मैंने कहा सुनो वही बता पता क्यों, मैं इतना घर घबरा गया, अभी भी घबरा गया, मैं घबरा को मैं बोला था घबरा गया, इतना घबरा गया था मैंने फटाफट, अम्मी ना लेटी हुई थी आराम करती है, अम्मी को मैंने उठा, अम्मी जल्दी उठे मदिया मर गई, अम्मी ने मेरे मुंह में थप्पड़ मारा पट करके, और जल्दी से फिर अम्मी उठ के आई, और मदिया ना 10 से 15 सेकंड में ना उठ गई थी। अच्छा आपको वाकई लगा था मदिया मर गई? फिर पता मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा शिट यार दुनिया नहीं गई। अच्छा वैसे टू बी ऑनेस्ट बताया, आपको वाकई लगा था कुछ हो गया इसको? ऑब्वियसली हो गया था, ये गई थी टपक गई थी, ये ब्लैंक हो गई थी, अल्लाह ताला ने बचा लिया। वरना क्या होता, 14 साल की कैद होती है आज मुझे, क्या होता है वो एंड वाली जेल कौन सी होती है, मौत जेले मौत क्या कहते हैं उसको, फांसी सजाए मौत होती है। अल्लाह माफ, ऐसी है लोग की स्टोरीज है, गले दमाने की, पता नहीं सर फाड़ने की, सर किसी ने फाड़ा है? इसने मेरा पता क्या किया बचपन में, प्रॉमिस टू बी हम लोग पता क्या करते ना, हम लोग ना ड्राइंग रूम का बैक साइड पे भी ना एक गेट होता था, वहाँ खड़े हुए पता नहीं क्या करते, इसके हाथ में था इतना बड़ा स्क्रू ड्राइवर, पता नहीं इससे तो अक्सर मेरी अनबन होती रहती थी, इसी बात पे अनबन हुई, मदिया ने कुछ नहीं किया, ना हो देखा ना तो यूं पकड़ा पट करके सर में मारा, और मैं इतना रोया था और मेरा खून यूं, मदिया ने सर फाड़ दिया था यार। वैसे सुनो मुझे याद भी नहीं है, हो सकता है गुस्सा नहीं, और पता है फिर अब्बा ने जो उसकी फिर डांट पड़ी थी, अल्लाह आपके खून भी निकल रहा था, अरे फट गया था बकायदा मेरी यूं करके पट्टी करनी थी मेरी यूं करके, मुझे गुस्सा मत दिलाया जाए, सर फाड़ देगी वरना दिया गुस्से में थोड़ा सा गाइस सुन ले आप लोग मदिया का कैसा गुस्सा दिख रहा है ना, तो आज पता चला है भाई मेरा एक बार सर भी फाड़ चुकी है, और मैं इसका गला दबा के उसको मारने की मैंने कोशिश की, तो बात दोनों बहन भाई ऐसा काम कर चुके हैं जेल जाने दोनों के दोनों बहन भाई ऐसी हरकतें कर चुके हैं। कितने साल के होंगे यार? मैं कोई मेरे ख्याल से 8-10 साल की बात होगी। हाँ तो उम्र 8-10 साल के थे, इतने छोटे छोटे तो बड़े की बात थोड़ी। गाइस हम यहाँ आ गए हैं। कहाँ आ गए गाइस? सॉरी जमाई आ गई थी, किधर है? हाँ ये ना। अच्छा ये बताओ किसी के पैसे हैं आपके पास? आज इत्तेफाकन मेरे पास भी नहीं है, मुझे ATM कैसे आया पैसे नहीं होकर ना, मत आया कर पता है, देखो 10 रुपए 20 रुपए 500-600। तो जी मेरा फेवरेट चिपोटले फ्राइज खाने आए हैं हम लोग, मेरा फेवरेट चिपोटले फ्राइज, याद है आपको पहली बार कब? चिकन चिपोटले फ्राइज पहली बार मैंने अपनी बेगम को खिलाया था जब हम पहली बार मिले थे। आई रिमेम्बर पहली बार मोहब्बत की है, घर में ही रखते हैं। अच्छा भाई देखिए इसके पास और भी आ गए, नहीं सिर्फ प्लेट फ्राइज भी आ गए,
सादा सैंडविच मिलता है फीका, बीमार लोग का तो मैं फिलहाल ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। बहुत ज्यादा हो गया मुझे ब्लॉग लगाना है, तो मैं फिलहाल ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अल्लाह हाफिज़। चलेगा।